19 अप्रैल 2023 को UNFPA यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट्स ने यह बताया कि इस साल के बीच में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद ऑलमोस्ट 3 मिलियन मोर पीपल। इंडिया का पॉपुलेशन तब 142.86 करोड़ हो जाएगा अगेंस्ट चाइनाज 142.57 करोड़। अब ये हमारे लिए गुड न्यूज़ हुई या बैड, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। किसी भी देश के पॉपुलेशन ग्रोथ का नेचर, उसके पॉपुलेशन का साइज और उस पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन ये डिसाइड करता है कि ये ग्रोथ उस देश के लिए वरदान है या शराब। एक देश के लिए उसकी पॉपुलेशन तब तक रिसोर्स बनी रहती है जब तक उस देश का कैरिंग कैपेसिटी अनटच्ड रहता है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि पर पर्सन कितना नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो फर्दर अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंडिया की TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2023 में 0 है, विच मीन्स इंडिया की फर्टिलिटी अभी रिप्लेसमेंट लेवल पे है। आसान भाषा में समझें तो दो बच्चे अपने दो पेरेंट्स मतलब एक माँ और एक बाप को रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स 2-2, सिंपल मैथ। इंडिया की पॉपुलेशन 2063 तक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाएगी लेकिन डिसेलरेशन में, मतलब अगर इस साल 1 करोड़ की आबादी बढ़ी तो अगले साल 95 लाख की, फिर उसके अगले साल 93 लाख की एंड सो ऑन। तो 2063 में इंडिया की पॉपुलेशन अपने पीक को टच करेगी जो होगा अप्रॉक्स 169.6 करोड़, एंड फिर 2064 से ये पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव होती चली जाएगी। अब देखिए, किसी भी देश के पॉपुलेशन को हम मेनली दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जिसमें 0 से 14 ईयर्स तक के एज वाले और 65 प्लस ईयर्स तक के एज वाले आते हैं। दूसरा ग्रुप है वह वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसमें 15 साल से लेकर के 64 ईयर्स तक के एज वाले ये इसमें शामिल होते हैं। तो इंडिया में अभी 2023 में इंडिया की 68% पॉपुलेशन वर्किंग एज में से है, जो कि इंडिया को 35 ईयर्स तक की हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देता है। इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए हमें 3 बेसिक मैकेनिज्म्स लगेंगे। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। अगर हम अपने इस लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो कि अभी काम करने योग्य हैं, इनके लिए ढेर सारे जॉब्स क्रिएट कर पाते हैं तो ये हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। दूसरा है वो है एजुकेशन, स्किल्स एंड हेल्दी लाइफ स्पैन देकर, मतलब अच्छे एजुकेशन देकर के, अच्छी स्किल्स सिखा करके और बीमारियों से बचाते हुए अगर हम अपनी इस वर्किंग एज की पॉपुलेशन को रेडी करें तो इससे हम ग्रेटर कैपिटल क्रिएट कर पाएंगे। तीसरा मैकेनिज्म है वह है गुड गवर्नेंस का। बेटर एंड मोर इफेक्टिव पॉलिसीज से हम एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं जो कि पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है और ये हमें वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी मदद कर सकता है। अभी देखिए, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन है, जबकि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज जैसे कि US, चाइना, जापान और भी बहुत सारे, इन सब की पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। इंडिया के पास अभी पोटेंशियल है जिससे हम एक वर्ल्ड वाइड मार्केट बन सकते हैं फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अभी ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स इंडिया के फेवर में हैं। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए और टाइम निकल गया तो ये जो अभी वरदान जैसा है, इसे हम अपने हाथों से खुद के लिए शराब बना देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।